हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. आज है सैटरडे, वीकेंड स्टार्ट हो रहा है एंड आई डू नॉट हैव एनर्जी व्हाटसोएवर. आई थिंक मेरे पीरियड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, उसके वजह से भी ऐसा हो रहा है. लाइक द डेट इज़ फॉर द 2nd of April, बट आई एम नेवर ऑन टाइम, सो दैट इज़ अनदर थिंग. बट आई थिंक उसी के वजह से अभी मेरी थोड़ी बॉडी में एनर्जी कम है एंड ऑल्सो लाइफ हैपनिंग. आई जस्ट हैवन बीन फीलिंग माई बेस्ट. एंड या अभी मैं सुबह उठ के आई एम इन्जॉइंग माई कॉफ़ी. अभी मैं पूजा करके आई हूँ एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड चिलिंग. अभी बज रहे हैं 8:15, सो आई एम स्टिल प्रीटी अर्ली. आज मुझे एक ब्लॉग एडिट करके डालना है बिकॉज मैंने कल ही स्टोरीज पे और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी आई प्रोमिस यू गाइज दैट यू विल गेट 2 vlogs इन 2 days, सो वो एडिट करना है. एंड आई डोंट हैव एनी सैटरडे प्लान्स. शॉपिंग करना था मुझे थोड़ा सा बिकॉज मुझे अपने होम टाउन जाना है नेक्स्ट मंथ. उसके लिए आई नीड टू बाई सम एथनिक वेयर. एज यू गाइस सॉ इन द डीक्लटरिंग वीडियो दैट नथिंग फिट्स मी एनी मोर, सो आई नीड सम कुर्तीज बिकॉज पूजा के लिए जा रही हूँ, सो आई विल नीड सम इंडियन वेयर. बट आई डोंट नो अगर आज प्लान बनता है कि नहीं. सो बैकअप के लिए आई हैव प्लान टू शूट some content because I'm planning to batch the content and schedule it before I leave ताकि मेरे upload days miss ना हो. and वहाँ जाके I will be vlogging. obviously I will be showing you the entire thing जिसके लिए भी मैं जा रही हूँ. so yeah, that is the plan for today. no solid plan, but अभी मम्मी नाश्ता बना रही है and I'm just enjoying my coffee. उसके बाद I'll start the day. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों का वीकेंड कैसा जा रहा है. एंड ऑल्सो लेटली नाउ दैट आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नॉट लेट व्यूज़ अफेक्ट मी मच. मतलब व्यूज़ यूज़ टू अफेक्ट मी सो मच, यूज़ टू क्या अभी भी दे डू बिकॉज आई पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. आई एम लिटरली अ वन मैन आर्मी. आई डू नॉट हैव एनीबडी हेल्पिंग मी. आई शूट माई सेल्फ, एडिट माई सेल्फ, पोस्ट माई सेल्फ, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज माई सेल्फ. एंड उसके बाद जब व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक आई डोंट माइंड कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट लाइक सिमिलर कॉन्टेंट अदर्स आर पोस्टिंग, दे आर गेटिंग व्यूज. सो आई डोंट नो वॉट आई एम डूइंग रॉन्ग. दैट इज़ वेयर आई एम गेटिंग कन्फ्यूज. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट content that does not take any effort, like just I don't want to say bad about anyone, but weird contents, they are getting views left, right and center. I don't understand what the audience wants because certain things that are getting views, मतलब बिल्कुल ऐसे छप्पर फार के views जिन views videos पे आ जाते हैं, those are the videos I cannot and I would never do. Like that's just not me, but yeah, that is something that I am making my peace with. बट हाँ, अभी आई हैव डिसाइडेड कि आई विल जस्ट नॉट लेट व्यूज़ अफेक्ट मी दैट मच एंड आई विल जस्ट प्लान कॉन्टेंट, पोस्ट इट एंड सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट. एंड जब से मैंने ये सोचा है, आइडियाज़ हैव बीन फ्लोइंग टू मी एंड आई हैव बीन वेरी वेरी एक्साइटेड कि जो अपकमिंग कॉन्टेंट है इट इज़ गोइंग टू बी बॉम्ब. एटलीस्ट आई एनविजन इट टू बी दैट. बट होता ऐसा है कि कई बार द वे आई प्लान थिंग्स इन माई हेड डजेंट टर्न आउट इन द सिमिलर वे बिकॉज अगेन आई डोंट हैव हेल्प, आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ. तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. बट हाँ, जैसा मैं सोच रही हूँ अगर वैसा ही हुआ तो अप्रैल एंड मई 2 months का कॉन्टेंट तो आई हैव प्लान्ड लाइक मोटा मोटा एंड यू आर गोना एंजॉय इट सो मच. मम्मी यार, पास्ता मत बनाओ ना, वो बनाओ आलू के पराठे, बहुत टाइम से नहीं खा रहे अच्छे बनाना, बिल्कुल एकदम चटपटे लजीज पतले पतले. पनीर पराठे और आलू पराठे के ख्वाब. मेरी मम्मी ने मेरे लिए रागी का चीला बना दिया जो कि रागी की रोटी जैसा ही और उसके अंदर पनीर की फिलिंग कर दी है. उन्हीं को पहनती हूँ. हाँ, फिर भी जुलाई है तो नहीं सही. वो एक का तो पैजामा शर्ट से डालने वाला हो रहा है, वो जुलाई तो आपका साइज बड़ा है उसमें, मेरी तो गलती है. साइज मंगाना चाहिए था ना तूने, तब वो आप ही का साइज था. आपने उसको एक बार पहना भी है, फोटो भी है मेरे पास. एक बार पहनने में ही हुआ है शाओ, तो आप हर बार पहन के मोटी हो जाती हो, मेरी गलती नहीं है. ये मास्क पता मैंने क्यों नहीं यूज किया अभी तक, अच्छा नहीं होगा इसलिए. नहीं, मुझे इसका ना कलर बहुत गंदा लगता है. वही तो, तभी तो मेरे को दिया. एस्थेटिक नहीं लगता मुझे. नहीं, मैंने आपको क्या, मैंने आपको दिया है, ये वीडियो में सबूत है मेरे पास कि आप चुरा के लेके गई हो मेरी चीजें.
बार लगाया ना इसको, अभी खत्म कर दे जितना है उसके बाद में नहीं लगाऊंगी इसको, क्यों देखने में गंदा लग रहा है, बहुत ही गंदा। पर ये अच्छा, वो ही दिक्कत है पता है, ये बस देखने में ऐसा है, ये बहुत अच्छा काम करता है स्किन के लिए। अभी आप जब मुंह धोओगे ना आप खुद देखना। जाओ जाओ जाओ, बदमाशी करने की कोशिश मत करो, सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। जाओ, यही आपका रामबाण है। क्या? कैमरा खोला आपके बदमाशी का, ये देखो। तुझे क्या लग रहा? क्या तेरे कैमरा से डरने वाली हूँ मैं? मम्मी मत करो, मैं बता रही हूँ मैं काम कर रहा। A few moments later. यहाँ पर ड्रॉइंग चल रही है मेरी मम्मी के हिसाब से। दिस पेंटिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट इज नथिंग स्पेशल। तो अब ये मुझे बना के दिखा रही है कि ये तो एक सेकंड में बन जाएगी। ये एक लाइन ड्रॉ करके भाग गई। क्या आपको समझ में आ गया कितनी इजी है? कुछ नहीं है, इजी है बहुत। तो बनाओ ना, भागी क्यों आप? Spent the entire day doing absolutely nothing apart from editing. I had a lot of shoots planned out, shoots या shopping के बीच में alternate करना था, but दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ because I wanted my brother and my mom to accompany me और उसने मना कर दिया। फिर गुस्से में मैंने shopping cancel कर दी and now I was editing and अब जाके मुझे shoot के लिए time मिला है। so it is currently 4:15। आज का मैंने जो होली वाला vlog डालना था वो मैं डाल चुकी हूँ and I look so dull right now because summers आ चुके हैं and my skin has been producing oil in liters, like literally you could deep fry things in the oil that my skin has been producing. but anyways this is the set all ready। अभी मुझे ये जो earrings हैं इनके अनबॉक्सिंग शॉट्स फिल्म करना है। सो आई विल बी डूइंग लाइक मीशो फाइंस वाली सीरीज, मैंने कभी नहीं करी अपने चैनल पे एंड इट वर्क्स गुड, लाइक यू गाइज लव मीशो फाइंस। मैंने लॉन्ग फॉर्म में ट्राई किया, शॉर्ट फॉर्म में कभी नहीं किया। सो दैट इज़ वॉट आई एम गोना गिव अ शॉट, इट विल कम इन लॉन्ग फॉर्म इज वेल। बट मैं शॉर्ट्स भी बना रही हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी डालना चाहती हूँ, वहाँ पे मैंने कभी मीशो फाइंस आज सच किया नहीं है। सो या दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शूट। आई लेट यू नो इफ आई प्लान टू शूट द मेकअप वाली रील ऑल्सो टूडे बिकॉज आई डोंट थिंक आई गेट टाइम, बट अगर मिलता है तो आई शूट दैट ऑल्सो। आई हैव अ लुक प्लान एंड इट इज गोइंग टू बी अ फन वन। सो द फर्स्ट शॉट इज डन। अभी मैं अपना सेकेंड सेट जिसके लिए कि आई विल बी शूटिंग दैट एस्थेटिक वाला अनबॉक्सिंग एंड आई गॉट दिस सर्क्यूलर रग सॉर्ट ऑफ अ थिंग फ्रॉम अमेजोन। ये ऐसे फेदर्स वाला है, लुक्स रियली रियली एस्थेटिक एंड गुड, बट मैंने अभी तक इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। आई थिंक ये मैंने किसी तो अमेजोन हॉल में आप लोगों के साथ शेयर भी किया होगा। सो इस पर आई विल बी शूटिंग माई अनबॉक्सिंग वीडियोज। इट गेट्स रियली डिफिकल्ट समटाइम्स शूटिंग अलोन क्योंकि सब कुछ ही खुद से देखना रहता है। ऑल्सो दिस रूम डज नॉट हैव इनफ स्पेस। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन सो वेल एंड देन माई कैमरा बैटरी डिसाइडेड टू डाई ऑन मी। आई थॉट आई चार्ज इट बट आई थिंक आई फॉरगॉट। कल मैं शूट कर रही थी उसके बाद मैं चार्ज करने भूल गई। अच्छा ही हुआ कि आज मेकअप लुक शूट कैंसिल हो गया था, वरना पूरा सब कुछ करने के बाद बीच में ख़राब हो जाता और बीच में बैटरी चली जाती तो दिक्कत ही हो जाती। आई नीड टू पुट दिस ऑन चार्ज एंड नाउ आई नीड टू फिगर आउट अनदर वे। या तो व्लॉगिंग कैमरा से कर लेती हूँ शूट, अदरवाइज आई विल यूज़ माई मोबाइल फ़ोन टू शूट। लेट्स सी। The next day. Hello guys, so I had the most mentally exhausting weekend ever and today was the worst Sunday ever. I cried so much. Aadhi baar to mujhe pata bhi nahi tha ki main kyun ro rahi hu. And I ate so much deep fried होली वाले पापड़। ओ माई गॉड, दैट वॉज क्रेजी, लाइक इतने ज़्यादा मैंने खा लिया एंड उसके बाद मुझे इतनी नींद आने लगी दैट आई जस्ट स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक आई डोंट नो 4-5 आवर्स। बीच बीच में उठ उठ के बहुत आदमी सोई हूँ। इट वॉज़
not a good weekend and I have been stressing so much lately. Look at my skin. I have been getting so many new breakouts. My skin has not been doing good. And it is purely hormonal. A, because I'm going to get my periods in, let's just say 2 to 3 days, agar time pe aa gaya is baar. And B, I have been super stressed out lately. Life hasn't been lifing. And yeah, so that is my Sunday update. Isliye kuch vlog bhi nahi kiya. Sote sote kya hi vlog karti, kuch kiya nahi uske alawa. I did not even work today. So that's the update of the day. But अभी मेरी दीदी आ रही है विजिट के लिए एंड उनकी बेटी भी आएगी साथ में, तो मैंने सोचा कि अभी तो ब्लॉग में चेक इन कर ही लेती हूँ बिकॉज शी इज़ द क्यूटेस्ट. सो आई थॉट कि हाँ माइट एज वेल वो आ रही है, तो आई विल जस्ट यू नो. सो यार मैंने सोचा कि आई विल जस्ट ब्लॉग फॉर अ बिट एंड आई विल मीट एंड आई विल मेक यू गाइज मीट हर एंड उसके बाद आई एंड द ब्लॉग. But yeah, that was pretty much my week. Super hectic. And कल also yeah, कल रात में मेरा MacBook का हब होता है जो, वो ख़राब हो गया. And वो I don't know कैसे वो चल रहा था. I edited my video and उसके 10-15 मिनट के बाद it just stopped working. And मुझे समझ में भी नहीं आया कैसे कैसे हो रहा है. And without that hub obviously I cannot connect anything to my laptop which is not C type and nothing is C type. Like my hard disk is USB वाला पोर्ट एंड देन माई दिस SD कार्ड इज़ ऑल्सो SD कार्ड. सो आई कैन नॉट कनेक्ट एनी थिंग टू माई लैपटॉप राइट नाउ जब तक कि वो हब नहीं आ जाता. एंड द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट इज़ टुमोरो, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. एंड दैट इज़ अनदर रीज़न दैट आई कुडंट वर्क टूडे. एंड कल मेरा हब जब ख़राब हुआ है मैं इतना रोई हूँ. एंड इट वॉज नॉट ओनली जस्ट अबाउट द हब, आई थिंक आई जस्ट हैव अ लॉट ऑफ पेंट अप इमोशंस अभी, तो वो सब निकल के आए थे. एंड पक्का जिसने देखा है ना मुझे रोते हुए कल, ऑब्वियसली मेरे घर वालों ने, वो लोग यही सोच रहे थे कि पागल हो चुकी है ये, एक हब के पीछे इतना रो रही है, क्या है दोबारा आ जाएगा. बट या सो जस्ट आई जस्ट वेट फॉर माई नीस, वो आएगी तो मैं आप लोगों को उससे मिलवाती हूँ. हेलो हेलो, कितने दिन के बाद आई? मैं बहुत दिन. ये ब्रश क्यों पकड़ा हुआ है आपने? मेकअप करने के लिए. किसका? मेरा. अपना? क्या करना है मेकअप? बैठो. और ये क्या लेके आयो, ये दिखाओ. ये क्या? ये तो मेरा बच्चा है. ये तेरा बच्चा है? क्या चाहिए आपको लिपस्टिक के अलावा? पाउडर. पाउडर? ओई क्या है इसमें? ये भी चाहिए? ये भी. ये नहीं चाहिए. ये मासी की तरह मेकअप सीख जाएगी है ना? पापा भी दूं? अच्छा आप किसका मेकअप करोगे, अपना कि मासी का? पहले मैं अपना करूंगा. ये लो, ये वाला पापा चाहिए. देखो कितने सारे कलर है इसमें, तो शीशा मिरर चाहिए. मिरर इसमें देख के करो, दिख रहा है? ये क्या लगा रहे हो? बस थोड़ा सा लगाना, फिर फेस वॉश करना है, ये अच्छा नहीं होता है. थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा थोड़ा बस. अब पापा रख देते हैं, अब लिपस्टिक लगा लो बस. मुझे एक और कलर चाहिए. नहीं अब आप ये लो लिपस्टिक. कौन सी लगाओगे? देखो इसमें 4 है, आप मासी को बताओ, मासी खोल के देगी. कौन? देखो इसमें है ब्राउन, इसमें रेड, इसमें पिंक और इसमें डार्क पिंक. मुझे पिंक. पिंक द अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट गाइस, कॉन्टैक्ट हर फॉर बुकिंग्स. कैसा लग रहा है? अच्छा. अच्छा दिखाना जरा इधर देखो. अच्छा बंदर, बस हो गया मेकअप? हो गया है, अब इससे ज्यादा क्या होगा? क्या नहीं लगाया? क्या वो तो ब्लैक कलर है, वो तो गंदा है. छी छी. पाउडर तो लगा लिया इतना सारा और? नहीं और थोड़ी लगाते हैं. अब इसी से मासी के भी लग जाएगा. देखो लगाओ उस ब्रश में, अभी इतना सारा है. लग रहा है? नहीं लग रहा. दिख रहा है? जोर से लगाओ, जोर से. लग रहा है? नहीं लग रहा. लग गया? कैसा लगा? अच्छा लगा. यहाँ देखो गाइज, वी आर रेडी टू अटेंड अ वेडिंग, प्लीज सेंड इनवाइट्स. क्या ये? ये
मेकअप। ये मासी का कैमरा है, ये मासी का कैमरा है। हाँ, ये कौन है? दो लोग, ये दो लोग कौन है? चार्ली और माची। चार्ली और माची।